अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह के करम से खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखी थी डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, तो आज चलते हैं आज के लेक्चर के कंटेंट्स की जानिब। तो क्या है हमारे पास कंटेंट्स में, ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर डिस्कस करेंगे आज, एगन फंक्शन देखेंगे कि एगन फंक्शन है, एगन वैल्यूज़ एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑपरेटर और एगन फंक्शन जो है और एगन वैल्यू कैसे अप्लाई होते हैं और क्वेश्चन है इसके कुछ करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले ऑपरेटर एंड ऑब्जर्वेबल पे। When we study in the state of system, जब भी हम किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं, किसी भी सिस्टम की स्टेट को, तो एक्चुअली हम क्या मेजर कर रहे होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी करेक्टरिस्टिक को मेजर कर रहे होते हैं, मेजरमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़। तो सच एज मिसाल के तौर पर मैस, वॉल्यूम, पोजिशन, एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ईच इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑब्जर्वेबल। हर प्रॉपर्टी जो मेजर हो सकती है वो क्या कहलाती है, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है। एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विच कुड बी मेजर्ड इज ऑब्जर्वेबल में आएगी। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पे ऑपरेटर अप्लाई क्यों होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, जब पहला पास्टुलेट आप देखें तो क्या है, स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय ए वेव फंक्शन एंड या इन टर्म ऑफ वेव फंक्शन आप कह सकते हैं कि जब भी किसी से आप क्वांटम मैकेनिक्स में सिस्टम को स्टडी करेंगे तो हम क्या लेंगे, उसके वेव फंक्शन के लिहाज से लेंगे। तो नेक्स्ट पास्टुलेज में देखें, अगर वेव फंक्शन के लिहाज से लेंगे तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे मेजर करेंगे, तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेबल, जब भी हम इसकी करैक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे, यू हैव टू परफॉर्म सम मैथमेटिकली ऑपरेशन। तो उस वक्त हमें कुछ मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे ऑन ए वेव फंक्शन, वेव फंक्शन पे। तो बाई ऑपरेटर हमें कुछ मैथमेटिकली ऑपरेशन वेव फंक्शन पे परफॉर्म करने होंगे, वो किसके ज़रिए होती हैं, वो ऑपरेटर के ज़रिए होती हैं, और फिर हम इसकी करेक्टरिस्टिक को मेजर कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। तो इसलिए हमें ये अप्लाई करने पड़ते हैं ऑपरेटर। तो चलते हैं देखते हैं ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर, एन ऑपरेटर रिप्रेजेंट ए मैथमेटिकल रूल प्रोसीजर दैट ट्रांसफॉर्म वन फंक्शन इनटू एन अदर फंक्शन और वन वेक्टर इनटू एन अदर वेक्टर। जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये एक मैथमेटिकली ऑपरेशन है जो ट्रांसफॉर्म करता है वन फंक्शन इनटू अनदर, जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज करता है या एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में, और द फंक्शन ऑन विच ऑपरेशन इज कैरिड आउट, फंक्शन जिस पे होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेंड कहलाता है। इसकी हम इक्वेशन देखते हैं तो क्या है, ऑपरेटर फंक्शन इज इक्वल टू अनदर ऑपरेटर। जब ऑपरेटर ऑपरेट करेगा किसी भी फंक्शन पे तो एक नया फंक्शन हमें रिजल्टेंट में मिलेगा। एक बात याद रखें, ऑपरेटर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा फंक्शन के साथ, ये ऑपरेट हो रहा है फंक्शन पे। जैसा कि अगर अकेला हम अंडर रूट लें तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, जब ये एक ऑपरेटर है जिसे अंडर रूट एक ऑपरेटर मैंने कहा है,
अगर ये ऑपरेटर है, अगर मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अकेला ऑपरेटर कोई वैल्यू नहीं। जब इसके अंदर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, मेरे पास एक फंक्शन आ गया है, तो अब इसका कोई ना कोई रिज़ल्ट आएगा। ठीक, मैंने क्या है, अंडर रूट ऑपरेटर लिया, एक्स स्क्वायर मैंने फंक्शन लिया, इस पर अप्लाई करूँगा तो ये है। तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये ऑपरेट हो रहा होता है, इसका मतलब ये होता है। अब मैं एक ऑपरेटर लेता हूँ, डी ओवर डी ऑफ एक्स मैंने ऑपरेटर लिया, और एक फंक्शन में ले रहा हूँ क्या एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाए, इज इक्वल टू बन जाएगा टू, जब इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी, और एक्स हमारे दो में से एक जब एक माइनस करेंगे तो एक रह जाएगा एक्स, तो ये मेरे पास एन अदर फंक्शन आ जाएगा। तो क्या एन ऑपरेटर ऑपरेट ऑन ए फंक्शन, किस पे ऑपरेट कर रहा है, फंक्शन पे, कौन से, एक्स स्क्वायर पे। तो हमारे पास रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन क्या आया है, इस ऑपरेशन के नतीजे में जो रिज़ल्ट आया वो हमारा टू एक्स है, रिज़ल्ट ऑफ एन ऑपरेशन। अब चलते हैं एगन वैल्यूज़ और एगन फंक्शन क्या है। अगर हम देखें एगन वैल्यूज़ और एगन फंक्शन को, तो सबसे पहले हम देखते हैं एगन वैल्यू इक्वेशन। एगन वैल्यू इक्वेशन ऑपरेटर अप्लाई ऑपरेट करेगा एक फंक्शन पे, और उसके नतीजे में वही फंक्शन दोबारा रिप्रोड्यूस हो, किसके साथ, सम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आर कांस्टेंट फैक्टर के साथ, तो वो हमारी क्या होगी, एगन वैल्यू इक्वेशन होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी। व्हेन एन ऑपरेटर ऑपरेट ऑन ए फंक्शन, ये ऑपरेटर है, ऑपरेट कर रहा है एक फंक्शन पे, एंड क्या है, एक सेम फंक्शन, जो यहाँ फंक्शन होगा वही यहाँ पर प्रोड्यूस, एंड द सेम फंक्शन इज रिप्रोड्यूस विद सम न्यूमेरिकल वैल्यूज, ऑपरेटर ऑपरेट किया फंक्शन पे, सेम फंक्शन प्रोड्यूस हो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, तो फिर हम देन द फंक्शन, तो तब ये फंक्शन क्या कहलाएगा, एगन फंक्शन, एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड एगन वैल्यू। एंड एन इक्वेशन दैट कंटेन बोथ एगन फंक्शन एंड एगन वैल्यू इज कॉल्ड एगन इक्वेशन, वो क्वेश्चन जो एगन फंक्शन भी रखती हो और एगन वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या होगी, एगन इक्वेशन होगी। आगे चलते हैं, ऑपरेटर है, फंक्शन है, मैंने लिया ऊपर फंक्शन पे अप्लाई किया, तो कांस्टेंट फैक्टर और सेम फैक्टर है, मैं कर लेता हूँ एक जनरल ले रहा हूँ, मैं एक जनरल ऑपरेटर ले रहा हूँ ओमेगा, एंड एक कांस्टेंट फैक्टर ले रहा हूँ ये ओमेगा, और फंक्शन में लेता हूँ यहाँ साई, तो देन एन एगन वैल्यू इक्वेशन, तो फिर मेरी एगन वैल्यू इक्वेशन क्या बनेगी, हैज द फॉर्म, ऑपरेटर पे ओमेगा आएगा और फंक्शन पे मेरा साई आ जाएगा, जिसे मैंने फंक्शन के तौर पे लिया है, ऑपरेटर पे ओमेगा आ गया, ये जनरल ऑपरेटर लिया मैंने, फंक्शन पे साई आ गया, और फिर कांस्टेंट फैक्टर मेरे पास क्या है, कांस्टेंट फैक्टर मेरे पास ओमेगा है, तो मैंने ओमेगा लिख दिया, और यहाँ पे मैंने फिर सेम फंक्शन, वही वाला फंक्शन प्रोड्यूस होना चाहिए, तो वही वाला मैंने साई लिख दिया, तो अब ये मेरी कुछ ऐसे एगन वैल्यू इक्वेशन बनेगी। द फैक्टर ओमेगा, अब ये जो ओमेगा फैक्टर है ये क्या कहा, एगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ओमेगा ओवरहेड, ये जो ओमेगा है ओवरहेड, इसके ऊपर ओवरहेड है, तो इसकी एगन वैल्यू कहलाएगा ओमेगा, ये वाला ओमेगा इसकी ऑपरेटर की एगन वैल्यू कहलाएगा। द फंक्शन साई एंड एन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड, अब इस किस्म की इक्वेशन में इज कॉल्ड एगन फंक्शन, अब ये एगन फंक्शन है किसका, इस ऑपरेटर का, ओमेगा ओवरहेड के ऑपरेटर का एगन फंक्शन है साई, विद डिफरेंट ऑफ ईच एगन वैल्यू, तो क्यों, ये देखिए इधर भी साई है, इधर भी साई है, सेम फंक्शन है, साथ में एक कांस्टेंट फैक्टर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, तो ये अब एगन वैल्यू इक्वेशन हो गई, और अब ये फंक्शन क्या कहलाएगा, एगन फंक्शन, और ओमेगा क्या कहलाएगा, एगन वैल्यू ऑफ दैट ऑपरेटर। साबित करना है कि ये जो ई ए एक्स है, ये डी और डी ऑफ एक्स ऑपरेटर का एगन फंक्शन है, और इसकी क्या निकालनी है, एगन वैल्यू भी निकालनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ऑपरेटर अप्लाई करना होगा, फंक्शन पे ऑपरेट कराना होगा, देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। मैंने क्या किया, ऑपरेटर को
मैंने ओमेगा ओवरहेड से जहर कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, और फंक्शन को ई ओवर ए एक्स को मैंने साई से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो क्या आएगा, ऑपरेटर ओमेगा आ गया और फंक्शन साई आ गया। ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू डी ओवर डी एफ, डी ओवर डी एक्स, ऑपरेटर डी ओवर डी एक्स आ गया। फंक्शन क्या आ गया मेरे पास, फंक्शन मेरे पास है ई ए एक्स, फंक्शन मेरे पास क्या है ई ए एक्स, और ये साई है, ई ए एक्स आ गया। तो इसे मैं फाइंड आउट करूँगा, अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या है। जब इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा, ई ए एक्स का डेरिवेटिव लूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई ए एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, ई ए एक्स वैसे आ गया, और फिर डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स आ जाएगा। अब क्या इज इक्वल टू हो जाएगा ए, अब ए मेरे पास कांस्टेंट है तो वो वैसे आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अब ई ए एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऐसे ई ए एक्स वैसे ही आ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या, ओमेगा साई, ओमेगा साई हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये ओमेगा साई आ गया, ए वैसे का वैसे आ गया। अब ई ए एक्स किसके इक्वल है, देखो ई ए एक्स साई के इक्वल है, तो ये मैं इधर साई लिख देता हूँ। अब देखो जो हमारे पास फंक्शन था, ऑपरेटर जब अप्लाई किया तो उसके बाद भी हमें सही साई मिला है, और साथ में एक कांस्टेंट फैक्टर भी मिला है जिसे हम एगन वैल्यू कहेंगे ऑफ दैट ऑपरेटर। और ये फंक्शन जो होगा, ये देखें दोबारा से हमें साई मिल गया है विद कांस्टेंट फैक्टर के साथ, तो ये इक्वेशन अब क्या कहलाएगी, एगन वैल्यू इक्वेशन कहलाएगी। और ये जो साई है ये क्या कहेगा, एगन फंक्शन ऑफ ओमेगा हेड ओवर ऑपरेटर का, ओमेगा ओवर हेड ऑपरेटर का एगन फंक्शन कहलाएगा, और ये एगन वैल्यू इस ऑपरेटर की कहलाएगी। तो ये देखिए कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय साई, सेम फंक्शन मुझे मिल गया। अब चलते हैं, देयर फोर ई ए एक्स इज इंडीड एन एगन फंक्शन ऑफ डी ओवर डी एफ, ई ए एक्स क्या है डी ओवर डी ऑफ, डी ओवर डी एफ एक्स का एगन फंक्शन है, विद इट्स एगन वैल्यू इज ए, जिसकी एगन वैल्यू क्या है ए है। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। अब आपने ये बताना है कि ई एक फंक्शन है ई की पावर ए एक्स स्क्वेयर, एन एगन फंक्शन ऑफ डी ओवर डी ऑफ एक्स है या नहीं, इस ऑपरेटर का ये फंक्शन है या नहीं। तो चलते हैं आप उसी तरह, पहले ऑपरेटर को मैंने क्या किया, डी ओवर डी ऑफ एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, ओमेगा हेड ओवर के साथ, और फंक्शन मैं ले लेता हूँ साई इज इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर ए एक्स स्क्वेयर, ये साई। तो सबसे पहले अब मैं ऑपरेटर को अप्लाई करूँगा फंक्शन पे, ऑपरेटर ऑपरेटर फंक्शन मालूम करना है, ऑपरेटर क्या है डी ओवर डी ऑफ एक्स, फंक्शन क्या है मेरे पास ई की पावर ए एक्स स्क्वेयर, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ई एक्स स्क्वेयर, ई ए एक्स स्क्वेयर वैसे आ गया, और डी ओवर डी ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वेयर आ जाएगा इसकी पावर का, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वेयर, ए एक्स स्क्वेयर। अब क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, एक कांस्टेंट है एक, इसके जब डेरिवेटिव लोगे तो ए आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर का 2x आ जाएगा, और ए एक्स स्क्वेयर ई की पावर ए एक्स स्क्वेयर वैसे आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं, अब ये मेरे पास ओमेगा था, ये मेरे पास साई था, तो मैं क्या लिखूँगा, लेफ्ट हैंड साइड ओमेगा ओवरहेड एंड साई, तो ये मेरे पास 2ax आ गया। अब देखो ई ए एक्स स्क्वेयर, ई ए एक्स स्क्वेयर साई था, तो ये मेरे पास साई आ गया। अब देखो सेम फंक्शन मुझे मिल गया है ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड पे साइड पे मुझे सेम फंक्शन मिल गया। अब बताओ क्या ये, सोचो क्या ये इस ऑपरेटर का, ओमेगा ओवर हेड ऑपरेटर का एगन फंक्शन है साई या नहीं, साई ओमेगा ओवर हेड ओवर का एगन फंक्शन है या नहीं, सोचो थोड़ा सोचो गौर करो।
अगर आप सोच रहे हैं, हालांकि हमें इधर भी आ गया इधर भी आ गया, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इसका फंक्शन है तो आप सही नहीं सोच रहे, क्योंकि अब इसके साथ एक वेरिएबल एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इस फंक्शन के साथ नहीं था। लेकिन जो हमें रिप्रोड्यूस जो हमें प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ एक्स एक वेरिएबल है जो कि उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, टू कांस्टेंट एक कांस्टेंट हो गया लेकिन एक्स वेरिएबल है, तो इसलिए अब ये एक्स इसका साई जो है वो एगन फंक्शन नहीं है और ये इक्वेशन भी एगन इक्वेशन नहीं है। तो चलते हैं, विच इज़ नॉट एन एगन वैल्यू इक्वेशन इवन थ्रो द सेम फंक्शन साई अकर ऑन द राइट साइड, बिकॉज साई इज नो मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल फैक्टर 2ax। अब एक वेरिएबल फैक्टर के साथ क्योंकि साई मल्टीप्लाई हो रहा है, नॉट ए कॉन्स्टेंट, ना के एक कॉन्स्टेंट के साथ, जब कॉन्स्टेंट होगा तब ये एगन इक्वेशन होगी। तो चलते हैं, अब द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी, एच हेड ओवर क्या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, साई इज इक्वल टू ई एनर्जी टोटल एनर्जी एंड साई, तो ये ऑपरेटर है फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है। द क्वांटिटी एच हेड ओवर इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर आ गया एच, और साई आ गया एनर्जी मल्टीप्लाई बाय फंक्शन। अब ये एनर्जी, अब एनर्जी ऑपरेटर मुझे देगा एनर्जी, क्योंकि एनर्जी क्या है ये, अब जो ही वैल्यू यहाँ आएगी वो मेरे पास क्या होगी, वही मेरे पास एनर्जी की वैल्यू होगी। एनर्जी टोटल एनर्जी, ई क्या होती है टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो मैं इससे फाइंड आउट कर सकता हूँ ये एनर्जी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई करके। तो देखिए इसी तरह बाकी प्रॉपर्टीज़ भी हम मेजर कर सकते हैं, एग्जाम्पलीफाइड बाई द श्रोडिंगर इक्वेशन इज रिपीटेड फॉर द ऑब्जर्वेबल आर मैयरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। यही श्रोडिंगर इक्वेशन हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ को मैयर करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सच एज मोमेंटम द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दोस्त इट इज ऑफ्टन द केस दैट वी कैन राइट। अब दूसरी प्रॉपर्टी के लिए अगर हम मैयर करना चाहते हैं तो हम इस इक्वेशन को कुछ यूँ लिखेंगे, क्या ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू एन ऑब्जर्वेबल, हर प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए अलग अलग ऑपरेटर होगा और साथ में क्या होगा साई। अब जो वैल्यू आएगी वो हमारी उसी वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल जो प्रॉपर्टी कर रहे हैं उसी की वैल्यू आएगी और साथ में हमारे पास होगा फंक्शन रिप्रोड्यूस होगा। तो ये आपके क्वेश्चन हैं जो आपने चेक करने हैं, विच आर द फॉलोइंग आर एगन फंक्शन आर फाइंड द वैल्यू ऑफ एगन वैल्यू, और आपने फाइंड करनी है एगन वैल्यू, ये ऑपरेटर दिए हुए हैं और ये फंक्शन है और ये आपने बताना है क्या ये एगन फंक्शन है या नहीं, और साथ में इसकी अगर है एगन फंक्शन तो इसकी एगन वैल्यू क्या है, ये आपके असाइनमेंट। और जितनी भी आपके लेक्चर हो रहे हैं